हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम इस लेक्चर वीडियो में थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखेंगे। बिकॉज देखिए, हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरह करनी चाहिए कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करके जाएं, ताकि एग्जाम पेपर हमें जो है वो इजी लगे। कई बार हमें लगता है कि ये तो इस तरह का आना ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखिए कैसा भी आ सकता है। आप लास्ट ईयर का 2022 का बीकॉम ऑनर्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर उठा के देख लीजिए। मतलब काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था, मैं कहूँगा काफ़ी लेवल ऊपर आ गया था। तो देखिए, हमें अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, ताकि हम जो है अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तो उसको भी हम इजीली क्रैक कर सकें। राइट, सो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई जेड लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑन 1st of April 2020 एट ₹40। दैट मींस दिस इज द ऑफर प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। When the market price is ₹160, this is the market price. The vesting period is 2.5 years and the maximum exercise period is 1 year. इसका मतलब है कि मिनिमम जो कंडीशन रखी है कंपनी ने एम्प्लॉय के साथ, कि कंडीशन रखी है कि आप हमारी कंपनी में 2.5 साल तक काम करो, और जैसे ही आपका ये जो मिनिमम कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जिस डेट पर ओवर होगी उस डेट से लेकर अगले 1 साल तक आपको जो है एक्सरसाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। कौन सा एक्सरसाइज? योगा नहीं, ये ईसॉप शेयर अवेल करने का, कि आपको एक्सेस करना है या नहीं करना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1st May 2020। यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन, मतलब क्या है, 300 एम्प्लॉयज ने जो वेस्टेड बिट है वो कंप्लीट ही नहीं किया, वो पहले ही छोड़ के चले गए। राइट, देन 600 ऑप्शन वर एक्सरसाइज ऑन 31st of December 2022। यानी कि 31st of December 2022 को 600 जो ऑप्शंस है वो एक्सेस हो चुके हैं, यानी कि ऑप्ट कर लिया। देन रिमेनिंग जो 100 ऑप्शंस है वो क्या हो गए, वो लैप्स हो गए, ना पास नेसेसरी जनरेटरीज। राइट, तो हमें कैलकुलेशन करनी है, एक तो कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है, दैट इज 160 माइनस 40 कितना रहेगा, 120। फिर हमें निकालना है कंपनसेशन, सॉरी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पे कैसे करना है। पहले आप टाइमलाइन देखिए यहाँ पर, यानी कि 1st of April 2020 से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक हो गए 2.5 साल, सॉरी 2.5 साल होंगे, ये हो गए 2.5 साल। राइट, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये हाफ ईयर। राइट, तो हो गए 2.5 ईयर हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग में कंपनी ने जो है 1000 ऑप्शंस किए थे। राइट, बट मीनवाइल जो है 300 एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्होंने मना कर दिया। राइट, एंड ये है जो क्या है आपका, ये है आपका एक्सरसाइज पीरियड, और इस एक्सरसाइज पीरियड में जो है 600 जो ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज हो चुके हैं। राइट, यानी कि बाकी जो 100 हैं वो क्या हो गए, लैप्स। तो देखिए मार्केट प्राइस कितना है 160, एक्सेस प्राइस कितना है 40, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना होगा 120। हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर में कितना होगा, देखिए 1000 जो है वो ईसॉप्स हैं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है 120 है डिवाइडेड बाय 2.5, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना हो गया 48,000। सेकेंड ईयर का 2 बाय 2.5 करेंगे तो 96,000 माइनस 48,000, तो हो गया टोटल 48,000 फॉर द सेकेंड ईयर। देन इन द ईयर 2.5 ईयर 700, सर 700 क्यों लिखा आपने, क्योंकि 1000 में से 300 जो लैप्स कर गए उन्होंने तो मना कर दिया, वो वेस्टिंग पीरियड ही ख़त्म नहीं किया उसने, तो 300 ने तो कितने रह गए, 700 तो रह गए। ठीक है, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 120, 2.5 डिवाइड 2.5 कितना 84,000 माइनस 48 कितना 96,000। अब इस टाइम क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सर नेगेटिव आने का क्या मतलब हो गया, नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि देखिए अब तक हम क्या करते थे, इसको हम पी एंड एल से एडजस्ट करेंगे, इसको हम पी एंड एल में डेबिट करेंगे, बट इसको हम जनरल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। राइट, क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए अब हम हर साल इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए पहले तो हम फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स ऑन 31st of March 2021 को एंट्री क्या होगी आपकी, दैट इज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट।
टू ईएसओपी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रुपीज 48,000। उसके बाद आपका पी एन एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 48,000। राइट, ये होगी एंट्री आपकी एज पर 1,000। ये भी आपकी सेम एंट्री हो जाएगी एज पर 1,000। राइट, और फिर ये एंट्री होगी आपकी एज पर 700, जो कि नेगेटिव आया था। तो हम जर्नलिज्म को जर्नलिज्म में एक्सेस जो हमारा पी एन एल अकाउंट में एडजस्ट हो गया, अब हम इसको दोबारा जर्नलिज्म में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर ये हो गया आपका एक्सरसाइज, और ये हो गया आपका लैप्स। राइट, तो देखिए 700 हो गए थे, वेस्टेड पीरियड उनका ओवर हो गया था। 700 में से 600 लोगों 600 ऑप्शन जो वो एक्सरसाइज हो चुके थे, बाकी 100 जो वो लैप्स हो चुके। तो 600 शेयर देखिए बैंक अकाउंट में आए एज पर ऑफर प्राइस, दैट मीन 40 रुपये के हिसाब से। और कंपनी के ईएसओपी आउटस्टैंडिंग कितने थे, 600 120 के हिसाब से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, बाकी रिमेनिंग बैलेंस फिगर आपका की टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देन ईएसओपी आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व जो लैप्स हो गए थे 100 ऑप्शन के हिसाब से, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना, दैट इज 120, तो कितना आएगा 12,000। दैट्स इट। आई गेस आपको चैप्टर ईजी लग रहा होगा। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। असर्टेन द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अच्छा, सिर्फ हमें जो है फेयर वैल्यू ऑप्शन निकालना है कि कैसे क्या वैल्यू होगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 5,000, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड टू ईच एम्प्लॉय 200, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स का, एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफिचर यानी हर साल जो है मतलब कितने लोगों के शेयर राइट्स हैं वो फॉरफिट करेंगे, दैट मीन्स 20%। एंड देन फेयर वैल्यू पर ऑप्शन कितना, दैट इज 10। तो अब हमें निकालना है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना हमें कैसे निकालेंगे। देखिए इस केस में हम देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 5,000 इंटू में 200। राइट, एंड हर साल जो है 20% जो है एम्प्लॉयज छोड़ कर जा रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा 80%, सेकेंड ईयर में भी उसका 80%, थर्ड ईयर उसका 80%, ऐसे तो होगा। राइट, एंड देन मल्टीप्लाई बाय इसका फेयर वैल्यू ऑप्शन कितना, दैट इज 10। ये होगा 10, दैट्स इट। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 51,20,000। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, ईजी है आपका। आपको निकालना है वैल्यू ऑप्शन यानी कि कितना शेयर्स पे कंपनी को जो डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो कितना अमाउंट आप जो है एम्प्लॉयज कंपनसेशन निकाल रहे हो, वो बेसिक वो निकालना है हमें। तो 5,000 तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, 200 आपके जो है ऑप्शन दे रहे हैं कंपनी, हर साल जो है 20% जो प्रॉफिट हो रहे हैं, तो पहले साल 80% ऑफ दिस मच अमाउंट, फिर 80% होगा ऑफ ऑफर ओवरऑल दिस मच अमाउंट, फिर 80% होगा ऑफ ओवरऑल दिस मच अमाउंट। राइट, मल्टीप्लाई बाय द 10, तो कितना आगा 51,20,000, सिंपल। इसके बाद सेकेंड सिक्स क्वेश्चन में आपको जो है सिर्फ फेयर वैल्यू ऑप्शन निकालना है। तो देखिए वैल्यू ऑप्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना होगा 1,500, नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड दैट इज 300, एंड ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में 30%, सेकेंड ईयर में 20%, देन थर्ड ईयर में 10% जो है एम्प्लॉयज ने वेस्टिंग ऑप्शन जो है वो कम्प्लीट नहीं किया। राइट, तो पहले साल जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रिमेनिंग से, दैट मीन्स 70% से। थर्ड ईयर में इसको जो अमाउंट आएगा उसका 20% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80%, फाइनल ईयर में जो भी अमाउंट होगा उसका 90%, एंड देन मल्टीप्लाई बाय द फेयर वैल्यू पर ऑप्शन। दैट इज 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 11,34,000। दैट्स इट। आगे सब आपको चैप्टर इजी लग रहा होगा। राइट, तो देखिए हमने ये जो फर्स्ट अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन 6 किए हैं, ये हमने किए दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड, दैट मीन्स कंपनी ने एक बेसिक कंडीशन रखी थी सर्विस पीरियड की, कि अगर आप इतने टाइम पीरियड अगर आप सर्विस कंटिन्यू करते हो तो आपको जो है इस ऑफ शेयर अवेल करने का ऑप्शन मिलेगा। राइट, अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम परफॉर्मेंस बेस पे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।